सो गाइस होस्ट रोहित पटनम बैक न्यू। आज आप हम बात करेंगे तेगा इंडस्ट्रीज एंड आनंद राठी वेल्थ आईपीओ के बारे में। यहाँ पर दोनों के बेस सब्सक्रिप्शन स्टेटस एक ही वीडियो में एनालाइज करेंगे, कौन सा अप्लाई करना चाहिए, कौन सा अच्छा है, कौन सा अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पर बात करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देख सकते हैं तेगा इंडस्ट्रीज के ऊपर रिटेल 17.4 बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, नॉन इंस्टीट्यूशन 20.48, क्वालिफाइड 3.5 हो चुके हैं और एक दिन बाकी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखें तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हमें ऑन एंड अराउंड इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम में 92% इसके इशू प्राइस के है, 92% ग्रोथ इशू प्राइस के है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 100% प्लस की लिस्टिंग मुझे यहाँ पर एक्सपेक्टेड है इसमें है। लेकिन बात इसमें यह है कि इसमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अगर आप चाहते हो कि ठीक है मुझे अलॉटमेंट मिले ना मिले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना। अगर नहीं मिली तो नहीं मिली, अगर मिली तो बहुत अच्छे गेंस भी आपको मिल सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर मोर देन 100% के गेंस इसमें हमें मिल सकते हैं। सो अगर आपको अलॉटमेंट की ज़्यादा टेंशन नहीं है देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है और आप दोनों में से एक आईपीओ को चूज़ करें तो हम यहाँ पर आनंद राठी के ऊपर देखते हैं। आनंद राठी में हम देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स 2.45, इंस्टीट्यूशन 1.93, क्वालिफाइड 0.01। ओके, अभी बाकी है हमारे पास, क्लोजिंग डे 6 को है, आज ही हुआ है, अभी तक का हमारे पास काफ़ी दिन बाकी है। तो यहाँ पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर हम देखें तो मुझे यहाँ पर इसकी लिस्टिंग अराउंड 50% तक देखने को मिली, यानी 50% लिस्टिंग गेंस हमें इसमें तक देखने को मिल सकते हैं। ऑन एन अराउंड 30-50% तक के गेंस देखने को मिल सकते हैं, डिपेंड करता है अभी लास्ट डे के सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी, लेकिन स्टिल ये मेरा अंदाज़ा है। तो अभी अगर हम देख सकते हैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलरेडी 23-25% चालू है, मोर देन इशू प्राइस, तो लिस्टिंग हमें 30-40-50 तक देखने को मिल सकती है इसलिए। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं तेगा इंडस्ट्रीज में अलॉटमेंट के चांसेस कम है तो यहाँ पर वैसे इशू नहीं होगा, यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अगर आप अलॉटमेंट के लिए ज़्यादा फोकस हो, आपके पास अगर दोनों में से एक चूज़ करना है तो आप यू शुड गो फॉर आनंद राठी। लेकिन आपके पास दोनों के लिए पैसा है तो यू शुड गो फॉर बोथ। बट तेगा इंडस्ट्रीज में अगर आपको लगता है नहीं मुझे देखना है, मिला तो मिला नहीं तो नहीं मिला, तो तेगा इंडस्ट्रीज में बिल्कुल करो, बिकॉज इसमें लिस्टिंग गेंस बहुत ज़्यादा तगड़े हैं एज़ कम्पेयर टू आनंद राठी। लेकिन आनंद राठी में अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा है, तो यही डिफरेंस है दोनों में, बाकी दोनों भी अच्छे हैं। ओके, आई होप वीडियो आप सभी पसंद आ चुकी होगी। इट्स अ होस्ट रोहित पटनम।